सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एक शानदार नर्सिंग वैकेंसी के बारे में। तो ये नर्सिंग वैकेंसी रहने वाली राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के अजमेर ज़िले के अंदर से ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसकी डिटेल हमने, जो भी कंप्लीट डिटेल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसके बारे में दे रखा, और फुल डिटेल के बारे में अभी इस वीडियो में बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें तो कार्यालय अधीक्षक सामूहिक चिकित्सा संघ अजमेर की तरफ से ये वैकेंसी है। नोटिफिकेशन 19/4/2023 को आ गया था। ओके फ्रेंड्स, विज्ञप्ति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर, तो सिटी के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, CMHO के अंडर में आपकी जॉब लोकेशन नहीं होगी। तो अच्छी बात है कि आपको सिटी के अंदर ही जॉब करनी है, नहीं तो CMHO के अंडर में होते तो आपको कहीं पर भी जॉब लगवा दी जा सकती थी। अब नेक्स्ट बात करें आपकी एजुकेशन के बारे में, तो सीनियर सेकेंडरी एंड इट्स इक्विलेंट, और साथ में बात करें तो GNM BSc नर्सिंग और RNC से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब टोटल पोस्ट कितनी है उसकी बात करें तो टोटल पोस्ट रहने वाली 170, वेरियस कैटेगरी जैसे UR के अंदर 61, SC के अंदर 27, ST के अंदर 20, OBC की 36, MBC की 9 एंड EWS की 17। ओके, ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1/5/2023 शाम 5 बजे के बाद आपका फॉर्म, उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है एंड ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, साफ मेंशन कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके डिटेल में बात करते हैं। और डिटेल में इसका बात करें तो इसको भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF प्रोवाइड कर दी गई है। तो बात करें तो कार्यालय अधीक्षक सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर ने जो वैकेंसी रिलीज़ की है उसके बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दे रखा है। नेक्स्ट बात करें तो परसेंट के इस पर भी दे रखा है कि किस वर्ग को कितना रिजर्वेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको किस तरह से जो चयन प्रक्रिया है वो भी किस तरह से होगी उसकी भी डिटेल दे रखी है। तो बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, तो आपकी सेकेंडरी परीक्षा में के 20%, हायर सेकेंडरी के 20% एंड GNM BSc के 25%, और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने 6 से 12 माह का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक, 12 से 24 माह का अनुभव है तो 10 अंक, और 24 माह से इससे अधिक है तो आपको 15 अंक का बोनस भी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, स्थानीय निवासी अजमेर के तो 15 अंक मिलेंगे, और ये RSRTC सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का होता है तो उसके 5 मिलेंगे, तो आपको मेरिट बेस पर वैकेंसी रहने वाली है। एंड सैलरी की बात करें तो आपको पता ही है UTB के अंदर सैलरी कितनी रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन भी हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया। तो फ्यूचर में ऑल काइंड ऑफ नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड इनके बारे में जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।